फोन पे बात किए, बाकी टाकी किए। इसका जो सिस्टम है आप लोग सुन रहे हैं? हाँ। इसका जो सिस्टम है कि बोले कि साहबुद्दीन से मिले, अरे साहबुद्दीन हमारा पुराना था, चेला था, कभी मिला करता था, पर अब नहीं है, अब नहीं है, जो बात है खत्म हो गया, पुराना बात था, छोड़िए। और आप पे दूसरा आरोप ये है कि चौथी बार आपको गिल्टी पाया गया चारे घोटाले में, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए भाई, गिल्टी विल्टी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सोचते कि हम अनपढ़ हैं, कोई गिल्टी नहीं था। आई विल आंसर इन इंग्लिश, अरे शांत रहिए भाई, इनको सुनने दीजिए, इंग्लिश हमको कमजोर समझ रहे हैं, अरे हम बी एन कॉलेज से पढ़ाए, सब बोलते हैं कि गिल्टी, अरे आई आई गो I am not food scammer. I am not. You जब सुनिए भाई, अरे क्या यहाँ पढ़ा रहे हैं, मछली मत पकड़िए, रुकिए, गाय भैंस के ताकू बुड़की बुड़की है हुए। Until I did not feel guilty, I am not दोषी। मतलब अरे भाई हमारे ऊपर एक लोग एक क्वेश्चन आउट लगाते हैं, लोग की सबसे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल नेता में सबसे ज्यादा बच्चा आपका है, नौ को बताइए, मतलब बोलते हैं नौ बच्चा है हमारा, इसका हमारा एक उत्तर है कि जब था सिस्टम तब कांग्रेस थी, उस समय वहाँ पे सेंट्रल में पक्ष में, तो सेंट्रल का था कि हम दो हमारे दो और हम थे विपक्ष में, तो मौका मिलेगा भाई, मौका मिलेगा, सबको मिलेगा, हम थे विपक्ष में, तो कांग्रेस के हर गतिविधियों का तोड़ करना हमारा प्रण था, इसलिए हमारा लोग अगला आरोप है अरविंद केजरीवाल जी पे। आम आदमी पार्टी के एक्स मेंबर मिस्टर कपिल मिश्रा ने आप पे ये आरोप लगाया कि आपने हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन से 2 करोड़ रुपया घूस के तौर पे लिया, इस बात पे आपको क्या कहना है? देखिए, जब कपिल मिश्रा ने उन पे इल्जाम लगाया था, उससे पहले भी उन सत्येंद्र जैन पे सीबीआई जांच चल रही थी, पर उस जांच में सत्येंद्र जैन को वहाँ पे क्लीन चिट मिली। उसके बाद जब कपिल मिश्रा दोबारा आए, उन्होंने कहा कि 2 करोड़ लिया हमने, उसकी जांच सीबीआई दोबारा कर रही है, अब जो रिजल्ट आएगा मैं सीबीआई के साथ हूँ, अगर हमारे पक्ष में रिजल्ट आया अच्छी बात है, विपक्ष में आया तो मैं जेल जाने को भी तैयार हूँ। आपके दूसरा आरोप ये है कि आम आदमी पार्टी जो आपने कहा था कि एक ट्रांसपेरेंट पार्टी है, लेकिन वहाँ के मेंबर्स आप पे ये आरोप लगाते हैं कि आप फेवरिज्म करते हैं, और राज्यसभा टिकट कुमार विश्वास जी ने भी आप पे ये आरोप लगाया कि आप टिकट देने में भी फेवरिज्म करते हैं, आपका इस पे क्या बोल रहे हैं? देखिए, ये हमारा भारत देश है, जो यहाँ पे सभी को स्वतंत्र अधिकार है, यहाँ पे सभी को रहने का अधिकार है स्वतंत्र तरीके से, बोलने का अधिकार है स्वतंत्र तरीके से, अब वो कुमार विश्वास की का मन है कि वो हमारे पार्टी में बने रहे या किसी और पार्टी ज्वाइन कर रहे, एवरी हैव टू राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच। अगला आरोप है संबित पात्रा जी पे। जी अन्ना जी, रिसेंटली दिल्ली मेडिकल काउंसिल का स्कैनर के ने आप पे ये आरोप लगाया कि एक पर्सन का डेथ हो गया आपके और एक डॉक्टर के नेग्लिजेंस से, आपका इस पे क्या कहना है? मैं आपको पहले बता दूं, मैं वहाँ पे रेफरेंस डॉक्टर था, अब कोई डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में ये गारंटी नहीं करती कि जो मरीज है वो 100% जिंदा होकर वापस आएगा, डॉक्टर ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, और ये विपक्ष का काम है कि ये उस मुद्दे को, एक नॉर्मल से मुद्दे को आज मुद्दा बनाया जा रहा है और राजनीति फायदा उठाया जा रहा है। आप जनाब वहाँ पे डॉक्टर से भी कभी कभी कोशिश करने के वाले की हार नहीं होती, उन्होंने कोशिश की लेकिन हार हुई, धन्यवाद। आप पे दूसरा आरोप ये है कि आपने कई टॉक शो में बहुत कॉन्फिडेंटली कहा है मंदिर यही बनेगा, बाबरी मस्जिद के केस में आपने बहुत स्ट्रॉन्ग हिंदुत्व का पोजीशन लिया और मुस्लिम सेंटिमेंट हर्ट किया, मैं आपको पहले बता क्या बोलना है? अरविंद जी, मैं आपको बताता हूँ, मुगल साम्राज्य